नमस्कार, रविन्द्रनाथ की जयंती पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जब मैं रविन्द्रनाथ की जयंती पे कुछ बोलने का सोचता हूँ, कुछ सोचता हूँ कि कुछ उनके बारे में, उनके सपनों के बारे में बोलूँ, तो मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं और दुख भी महसूस होता है। साथ ही साथ ये महसूस होता है कि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो सपना देखा था सोनार बांग्ला का, वो आज टूट गया है, वो बिखर चुका है। देश की मौजूदा राजनीतिक पार्टियों ने और राज्य की मौजूदा राजनीतिक पार्टियों ने उस सपने को बेच खाया है। मौजूदा पार्टियों ने उस असली सोने को नकली सोने में तब्दील कर दिया है। आज वो सुनार बांग्ला का सपना कुछ टूटा हुआ नजर आता है। जयंती विशेष पर मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ लाइनों को रिसाइट करना चाहता हूँ, एक उनके फेमस पोयम से जिसका नाम है माइंड इज विदाउट फेयर। उसके मैं कुछ चंद लाइनों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वे द माइंड इज विदाउट फेयर, वे द हेड इज हेल्ड हाई, वे द वर्ल्ड हैज बिन ब्रोकन, वे द नॉलेज इज फ्री, वे द वर्ल्ड हैज बिन नॉट ब्रोकन इंटू फ्रैगमेंट्स, वेयर बाय द नॉर डोमेस्टिक वॉल्स। शायद मैं लाइनों में कुछ कन्फ्यूज हो गया, फिर भी कुछ लाइनें ऐसी ही हैं। आज उनके जयंती पर जब देश की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, जब कुछ बड़े बड़े लेक्चर्स, बड़े बड़े स्पीच, बड़े बड़े ट्वीट्स दे रहे होंगे, तो कोई उनके उन लाइनों को याद नहीं करेगा, उन लाइनों को समझने की भी ज़रूरत नहीं करेगा। बट उन लाइनों में जो लिखा हुआ है उसे पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं रखते। आज देश और हम, देश में आप और हम सब, जात, धर्म, पैसे और ना जाने कितने अलग अलग चीज़ों पे बढ़ चुके हैं। आज हमारा जान, हमारी संपत्ति आप देश की पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेताओं के हाथ में गिरवी पड़ी है। आज मौजूदा दौर में नॉलेज इज़ नॉट फ्री, इट इज़ अ मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। मैं देश की तो बात नहीं करूँगा, बट राज्य की बात करूँ तो हमारे बंगाल में आपको बताता हूँ कि नॉलेज इज़ नॉट फ्री, इट इज़ अ कॉस्ट, इट कॉस्ट यू लाइक 10,000 rupees, 20,000 rupees। आज अगर आप मेरिट लिस्ट में भी आते हैं तो आपको 10,000-20,000 rupees देने होते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस ये कहना चाहता हूँ, यू आर नॉट बाउंड, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज फ्रॉम योर सेल्फ, चेंज फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। पॉज कर लो। यू शुड चेंज फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। आपके हाथ, अगर आप आसपास अपने बदलाव चाहते हैं तो आपको खुद के अंदर से बदलाव करना पड़ेगा, आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा बदलाव के लिए। आप कभी भी नेता या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी दूसरे लोगों के ऊपर में निर्भर नहीं हो सकते चेंज के लिए। आज जब मैं आप जब आप अच्छा चीज़, कुछ बदलाव इस देश में, प्रगति लाना चाहते हैं, तो आप अपने तरफ से स्टार्ट कीजिए, स्टेप अहेड लीजिए ताकि देश हमारा आगे बढ़े। मैं ये भी समझता हूँ कि दोनों हाथ बंद करके भारत माता की जय बोलने से नहीं होगा। भारत माता की जय तभी होगा जब देश, हमारे देश में सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग एक समान प्रगति कर रहे होंगे। मेरी आपसे ये अपील है कि आने वाले समय में जब भी आपके पास मौका मिले, आप अपने तरफ से बदलाव कीजिए। और आने वाले समय जहाँ भी आपका वोट है, आप वोट दीजिए, वोट से ही आप अपना बदलाव कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।